सर मैम बहुत बहुत वेलकम. कैसा लग रहा है पहले तो यहाँ पे आके? हाय एवरीवन, हेलो. फर्स्टली आई लाइक टू से आई एम टू एक्साइटेड टू बी हियर क्योंकि ऑल माय फ्रेंड्स स्पेशली मल्ला इज हियर With such wonderful talent here, बहुत मजा आएगा. मैं बहुत I'm really looking forward to watching you all. और कौन है वो robotics वाला? अरे अरे गौरव. गौरव. क्या Yes, गौरव, you're too good, हाँ. And the scientist जी की बेटी. अरे. तो मैंने देखा उनको. Scientist जी की बेटी वो देखी वो अपेक्षा. So I'm really looking forward to watching. अरे but scientist जी के मतलब जो scientist जी खुद हैं वो ज़्यादा excited हैं. पापा कैसे? अच्छा नमस्ते जी. जी. नमस्ते. Don't worry, she will not sit in this row. She will sit in us row. Good one, good one. मैंने talent वाकई कमाल है. जमरूद. जमरूद. Yeah. क्या बात है. सुना आपकी हिंदी और मेरी हिंदी एक ही है. हाँ जितनी अच्छी हिंदी मैं बोलता हूँ आप भी वैसे ही बोलते हो. एंड द डिलीवरी बॉय. हाय दिबे. इतनी मेहनत अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए आप सक्सेसफुल होंगे ही यार. 100% सक्सेसफुल होंगे. गॉड ब्लेस. मैंने गीता मैम को देखा. गीता मैम ने जब कहा गाना था हे लेकिन कोरियोग्राफ करते हैं हे कुछ ऐसा. अन्ना सच बताएं जब आप इस पे डांस करते थे आपको ये वन एंड टू एंड थ्री समझ आया था? हाँ यानी रीटेक्स में वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव क्योंकि मैं निकल जाता था थिंकिंग कि आई हैव डन द बेस्ट. लेकिन लेकिन वन सेकंड. हाँ प्लीज. लेकिन इस शो की लव गुरु मैं हूँ. हाँ यार ये राइट. और पहले दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस बंदे का कुछ हो जाए यार ये. हाँ कुछ मतलब इनका जो कुछ लव प्यार व्यार हो जाए ताकि ये थोड़ा रोमांटिकली इन्वेस्टेड हो जाए. मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन आई डोंट नो पता नहीं क्या हो रहा है. इट्स ऑल फॉलिंग ऑन डेफ इयर्स. हमारे साथ करिश्मा बैठी है. आप कुछ अपना करिश्मा दिखाइए. हां प्लीज कुछ कुछ लव. यू हैव टू मेक हिम मेक हिम फॉल इन लव. टीच हिम. ये तो है. हां आप मैं भी लव ढूंढ रही हूं यार. कैसे टीच कर. वो भी सही बात है. रक्तिम है. आप है. टेबल है. चेयर है. लाइट है. गाना है. और गुलाब भी है. चल डेट पे जाइए. फूल भी है. अच्छा हाँ चल हो जाए. लोला हो जाए. वी वांट टू सी लोलो स्टाइल डेट. लोलो स्टाइल डेट. मलाइका मुन्नी बदनाम पे करिश्मा. ओह गॉड क्या बोलते हैं यार. ओए 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 क्या बात है. ओए 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 कौन to
आईबीडी में दो नए कंटेस्टेंट्स आए हैं और एक नया जज. हेलो हेलो. राजा हिंदुस्तानी फिल्म का आमिर खान लग रहा है ना. है ना भोला प्यारा सा यार. तो एक काम करते हैं ना यार, एक परफॉर्मेंस अगर हो जाए है ना, रिक्रिएट करते हैं थोड़ा राजा हिंदुस्तानी. क्या बोलते हैं सब लोग है ना, होना चाहिए ना हमारा प्लीज. जमरूद जमरूद तुम कितने भोले हो. तुम कितने पागल हो, कितने जोकर हो. Nostalgic. It's been 25 years of Raja Hindustani. Oh, wow. इसी हफ्ते और आप लोगों ने ये recreate किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. Getting a bit emotional. Thank you so much. That was really good. No, no, you can thank my choreography from there. Yes. Thank you, Malla. आपने जो ये choreograph किया है और मैं ये बात बताना चाहूँगी TV पे कि हमारे group में India's best choreographer. अल्लाह बेबो की शादी के टाइम में भी सो सीरियस हम लोग थोड़ा यू नो संगीत प्रैक्टिस हो रहा है, हंस रहे बातें कर रहे. मल्ला डू द स्टेप प्रॉपरली, डिडंट आई शो यू, खिलाओ ठीक से. दैट्स वेरी हर वर्ड. I can so believe this. Yeah, yeah, school teacher of our group guys. ये मैं believe कर सकता हूँ. You're completely right. Yeah. But Lolo, you are such a sport. Big round of applause for Lolo. Amazing. And thank you so much, Zamrud. You come, come, ma'am, sir. Thank you. Jordan Talia. मैं वैसे सुनील सर आपको बताना चाहता हूँ, आपने बॉर्डर फिल्म में इतने बमों में से पिन निकाल निकाल के फेंकी, लोग पूछते थे उन पिनों का हुआ क्या.
सर उनमें से एक पिन ये देखें। पल पोस के बड़ी हो चुकी है सर। एक्चुअली बम वो था, पिन ये है। यार एक बात है, गाना अच्छा है ना झांझरिया, क्या तुम्हारा मन है कि इस गाने पे अभी के अभी सुनील सर और करिश्मा यहाँ पे आके डांस करें? तुम बनता है, अब दोनों का गाना है तो बनता ही है। क्या बोलते हैं सब लोग, कम ऑन, जोरदार ताली आइए। सबको याद था सर, सब कुछ याद था आपको, पूरे स्टेप प्रॉपर याद थे। गाना नहीं याद था और स्टेप्स नहीं याद था, बाकी सब कुछ याद था। We want to say thank you to Karisma ma'am. Yeah. Because thanks to her you danced today. Yeah. Sunil ji, I told you is a secret dancer. उनको सब पता है। उनको पता है, वो secretly डांस करके निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज डेफिनेटली है कि पीछे क्या हो रहा है उसको पता नहीं था। So she doesn't know. लेकिन वैसे ही करती थी सेट पर, दो मिनट में आके स्टेप सीख जाती थी। एंड देन शी सेड लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और मुझे 9 बजे की शिफ्ट में, मैं सुबह 5 बजे आ जाता था ताकि रिहर्सल कर सकूं थोड़ी बहुत। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां। अन्ना, आपके फादर की जब तबीयत बहुत खराब थी, आपने सब कुछ छोड़ के डेडिकेटेडली आप बिल्कुल पूरा समय आपने उनको दिया था, आप कुछ शेयर करना चाहोगे अन्ना प्लीज? एब्सोल्युटली। आई थिंक 4 साल मेरी जिंदगी के कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। आई डिडंट वर्क एट ऑल। मेरी जिंदगी के 4 सबसे खूबसूरत समय। और इसलिए जब भी ऐसे रिलेशनशिप मैं देखता हूँ, यू नो, आंखें हमेशा भर आती है, क्योंकि दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम। क्योंकि वो इतना सब कुछ हमारे लिए करते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। और हमेशा ये माना जाता है कि यार बाप बेटे में हमेशा वो डिफरेंसेस होंगे, वो जनरेशन गैप आता है। इट इज नेवर दैट वे। एक बाप को कभी अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि वो जिंदगी के स्ट्रगल में रह जाते हैं हमेशा। और ख़ास करके जब बच्चे पैदा होते हैं तब आपको लगता है कि नहीं यार, बहुत मेहनत करनी चाहिए और उनके लिए अपनी ज़िंदगी एस्टैब्लिश करनी चाहिए। जब आप कुछ अचीव करते हो तो बच्चों को पढ़ने का टाइम आ जाता है, वो बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में अपनी फैमिली आ जाती है। सो इट्स ऑलवेज दैट गैप। आई थिंक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गैप को ब्रिज करें और वो टाइम अपने माँ बाप के लिए दे। आई थिंक फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो इंटरनली ऐसा है, यू नो, इंटरनली वैसा है कि उनकी सैक्रिफाइस इतनी होती है, इट्स अनबिलीवेबल। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब एक माँ डिलीवरी के लिए जाती है तब उनका हस्बैंड का उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आप अपनी बीवी को वो माँ का दर्जा दे देते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू डेवलप। सो इट्स जस्ट टू ब्यूटिफुल, दिस होल फादर सन मदर सन रिलेशनशिप। सो टू ऑल ऑफ यू देयर, यू नो, अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालिएगा और टाइम कोशिश कीजिएगा। हम सब बिजी है कि क्या हम एक मील तो उनके साथ खा पाते हैं कि नहीं, हॉलीडेज कहीं ना कहीं उनके साथ बिताते हैं कि नहीं। आई थिंक दीज आर द ब्यूटिफुल मोमेंट्स वी शुड चेरिश। मम्मी को तो हम प्यार करते हैं और जाहिर भी करते हैं,
पापा को भी आज ये देखने के बाद एक बार जाओ कस के जफ्फी पाओ यार। और इसी के साथ दुनिया के सारे पिताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, है ना? वो शर्त बनती है ना, हो जाए एक बार? एब्सोल्यूट बनती है अन्ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अरे यार अन्ना निकल गया अंदर से, सॉरी। अरे ऐसे क्यों निकलता है यार? मैं सॉरी मैं खुद भी ऐसे करने वाला था। अच्छा अन्ना, ये सब लोग ऐसा क्यों करते हैं? मुझे पता नहीं यार, मैं भी ऐसी एक्टिंग करने लग गया फिल्मों में। आदत हो जाती है, हमें लगता है कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अब लेकिन डायलॉग तो बनता है। पापा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पापा घबराना नहीं है, अपने अंदर के सुनील शेट्टी सर को जगाना है आपने। हम तो किसी दूसरे के धरती पर नजर नहीं डालते, पर इतने नालायक बच्चे भी नहीं है कोई हमारी धरती माँ पे नजर डाले और हम चुपचाप से देखते हैं। ना, नो, नेवर। एक सेकंड, नहीं, मेरे को लग रहा इतना इमोशन की कम बोले, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक्चुअली बॉर्डर के उस पार ही छोड़ा हूँ। पापा ओरिजिनल होता है, एक बार अगर ओरिजिनल आ जाए, क्या बोलते हैं पापा? हो जाए, करेक्ट सर, प्लीज सर, एक लाइन आप बोलिए, एक लाइन मैं बोल दूं। ओ, ये तो और मजा। शुरुआत आपसे। हम तो किसी के धरती पे नजर तक नहीं डालते, हम तो किसी के धरती पर नजर भी नहीं डालते साहब जी, पर इतने नालायक बच्चे भी नहीं है, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है कोई हमारे धरती माँ पे नजर डाले, कि कोई मेरे धरती माँ पे नजर डाले, चुपचाप से देखते रहे और मैं चुपचाप से देखता रहा। ना, नो, नेवर। ना, नेवर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।